नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके और अभी हम जेन इलेक्ट्रिक की फोरन फोर सीरीज की एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आगे चल के तेजस एम के टू और एम का के इनिशियल बैच में इस्तेमाल किए जाएंगे तो इसको लेके एच की तरफ से इलेक्ट्रिक के साथ 2023 में एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था जिसमें 99 नाइन एरो इंजन को खरीदने का फ़ैसला किया गया था और इसमें इन इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी डिस्कशन किया जा रहा था अभी पता चला है कि इस डील को अभी बहुत ही जल्दी फाइनल कर दिया जाएगा और इसमें जो प्राइस को लेकर नेगोशिएशन चल रहा था वो भी अभी कंप्लीट हो चुकी है कहने का मतलब ये कि इन इंजिन को अभी भारत में लोकली मैनुफैक्चर करने के लिए जब यूनाइटेड स्टेट के साथ बातचीत शुरू किया गया तो यूएस की तरफ से ये बात क्लियर कर दिया गया कि अगर इनको भारत में बनाया जाएगा तो इनकी यूनिट कॉस्ट पहले के मुकाबले भारत को ज़्यादा पड़ें बदले में के अंदर इस इंजन की 80 परसेंट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करेंगे लेकिन इसके बावजूद करने का परमिशन देंगे लेकिन वो अपने इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भारत के साथ शेयर नहीं करेंगे और अभी भारत में जो भी इंजिन को बनाया जाएगा हर एक इंजन जो होगा वो लगभग टेन मिलियन डॉलर के आसपास पड़ने वाली जो कि पहले एस्टिमेट किए गए प्राइस के मुकाबले कई गुना ज्यादा होने वाला है अगला अपडेट भारत और यूक्रेन को लेके रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के गस्त पर गए हुए थे उनके इस विजिट को लेके काफी चर्चा किया जा रहा था इसके बाद यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंसकी की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि अभी वो भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में जॉइंटली काम करना चाहते हैं अब जैसे कि भारत का रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है तो अभी यूक्रेन की तरफ से भारत के साथ बेहतर डिफेंस रिलेशन मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है प्रेसिडेंट जेलेंसकी ने यह बात बताया कि वो अभी खास करके भारत के साथ ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉफे के सेक्टर में काम करना चाहते हैं और इनको ज्वाइंटली भारत में मैनुफैक्चर करना स्टार्ट करना चाहते हैं अगर देखा जाए तो रिसेंटली हुई लड़ाइयों में यूक्रेन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉफे सिस्टम और ड्रोन्स को काफ़ी इस्तेमाल किया गया था और रिसेंट लड़ाई के दौरान इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरीके से ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस सिस्टम की जरूरत पड़ती है इसका यूक्रेन को अच्छा खासा अनुभव हो चुका है तो इस वजह से वो अभी भारत के साथ वो सब शेयर करना चाहते हैं दूसरी बात ये कि जंग की वजह से यूक्रेन की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो रही है तो इसको ठीक करने के लिए वो अभी भारत की मदद चाहते हैं और इसमें यूक्रेन चाहता है कि वो अपनी तरफ से रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भारत के साथ शेयर करे जबकि भारत की तरफ से यूक्रेन को फाइनेशियली सपोर्ट किया जाए या हेल्प को प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाए जो की दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता था अब फिलहाल इस पर भारत की तरफ तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि हम यूक्रेन के साथ जॉइंटली कोई ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉफेयर सिस्टम को डेवलप करने के लगे काम करने वाले हैं फिर नहीं करने वाले क्योंकि फिलहाल कंडीशन काफ़ी संगीन है तो भारत इतनी जल्दी इस पर कोई डिसीजन लेना नहीं चाहता है अगला अपडेट भी ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन से रिलेटेड है और अभी हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले जिनकी तरफ से एक ऐसा प्रिशन गाइडेंस किट को डेवलप किया गया जिसकी मदद से हम लिटरली किसी भी तरह की ड्रोन को आम ड्रोन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस कंपनी का नाम ज्यूस निमरिक्स है और इन्होंने अभी एक ऐसी गाइडेंस किट को डेवलप किया है जिसकी मदद से हम किसी भी तरह की ड्रोन में एमोनेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं कंपनी के क्लेम के मुताबिक मुता एन एम एम की प्रशियन गाइडेंस किट है जिसमें इजेक्टर रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो की कि कि किसी भी तरह की पेलोड को कैरी कर सकते और इसकी मदद से हम किसी भी भी तरह तरह की पेलोड को किसी ड्रोन में इंटीग्रेट कर सकते हैं यहां तक कि हम इसकी मदद से जो नॉर्मल एग्रीकल्चर ड्रोन होते हैं उनमें भी प्रशियन गाइडेंस मनिशियंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं कंपनी का कहना है की इसकी मदद से हमें डेडिकेटेड आर्म ड्रोन को खरीदने की जरूरत नहीं है हम चाहे तो एक नॉर्मल एग्रीकल्चर ड्रोन को भी इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे और इसे हम बहुत ही कम कीमत में ज्यादा की 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 फ्लीट को या स्वाम आम की फ्लीट को 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 या तैयार कर कर सकते हैं। हैं। अगला तरफ तरफ से है। अब की तरफ से अब अब सबको पता होगा कि कि रिसेंटली और बात बताया गया था कि वो 2026 तक तक टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट करने का प्लान रहे अभी तक तेजस प्रोग्राम को तरह की या कारण, की कारण है लेकिन अभी तेजस एम के टू की डिजाइन को लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये सवाल आई कानपुर की मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रद्युत दास की तरफ से उठाया जा रहा है और उनका एक कहना है कि वर्तमान तेज एस एम के टू में जिस तरीके से कनाड को प्लेस किया गया या आगे चल के एच और एडीए को कई तरह की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मजबूर कर सकते यानी कि अगर ऐसा रहा तो आगे चल के तेजस एम के की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकते हैं और उनका ये मानना है कि तेज एस एम के में कनाड्स को जिस तरीके से अभी प्लेस किया जा रहा है सही नहीं है हालांकि उनकी पूरी आर्टिकल में मुझे ये कहीं पर भी नहीं दिखा कि वो एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तेजस एम के टू की कनार्स की प्लेसमेंट को लेकर सवाल उठाने के पीछे मुझे कहीं पर भी ठोस पॉइंट नहीं मिले कि किस बेसिस पर वो ये बात कह रहे हैं इसके अलावा उन्होंने तेजस एम के टू की डेवलपमेंट के दौरान इसकी आर को भी रिड्यूस करने को लेकर एक पॉइंट को रखा था जो कि मेरे हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है लेकिन जहाँ तक बात रही कनाड्स की तो इसको लेके एडीओ और डी दोनों की तरफ से पहले से ही काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया जा चुका होगा और कई बार इसकी विंड टनल टेस्टिंग को करने के बाद इस मॉडल को तैयार किया गया होगा तो मेरे हिसाब से अगर तेजस से एम के की करंट डिज़ाइन में कोई दिक्कत होता या इसकी कनाड्स में कोई दिक्कत होता या डिजाइन इशू होता तो ये पहले से हमको पता लग चुका होता और ख़ास करके एच और ए ए इन दोनों को पता चल चुका होता तो मेरे हिसाब से अभी जो कनाड वाला इशू क्रिएट किया जा रहा है ये कोई खास पॉइंट नहीं जो कि ऐसे ही क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद पन्ने मातर